पक देखो ये रहा गाइस दीदी का स्ट्रॉ, इसी से ये पीती है जूस वगैरह। बेचारा अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से आ रहा है। हम लोग पुराने घर पे इसे आए थे क्योंकि अब ये क्या हो गया है, मूछे आ गई है और क्या हो? क्योंकि हम लोग ना आते थे बनारस इस घर के अभी ना मेरे पास कंटेंट की कमी है तो मैं आपको हाउस टूर करा देती हूँ। सबसे पहले आते ही आपको दिखेगा ये कैसा लग रहा है। ये गाइस हमने बिल्कुल नहीं बनाया, ये बनाया इसने। एक लड़की यहाँ है गाइस, ये देखो ये छुपी हुई है अंदर कब्जे में। ये हमारे ही हमसे पता नहीं कितने साल छोटी और मेरे हाइट की एकदम बराबर। हाँ गाइस ये हमसे बहुत ज्यादा छोटे है लेकिन हम लोग उनके करीब नहीं आएंगे क्योंकि उनकी हाइट बढ़ चुकी है एंड शर्म के मारे मैं दूर जाना चाहूंगी। और ये है हमारी मामी का घर और ये है क्यूट क्यूट से डायनासोर, बिल्कुल इसकी तरह पोंचू है ये तो। अरे ये तो हम लोग खरीद के लाए, ये तो देखा देखा लग रहा है। आप भी दी थी बक भाई, हम लोग कब दे दिए यार, हम लोग के पास खुद ही नहीं है। ओ नाइस किचन। ओ और घर दिखाओ अपना, कहाँ है घर? और ये ड्राइंग रूम है जिसमें मेरे भाई साहब पसर गए हैं, ये रील बाजी कर रहे हैं और यहाँ पे टीवी चल रहा है, जय श्री राम। तो गाइज मैं आज आपको ऐसे टेडी के दिखाना चाहती हूँ जिसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। बेचारा अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से आ रहा है एंड ऑपरेशन इसका अनसक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है इसका, क्योंकि एक आंख नहीं बच पाई और इसके नाक से नेटे बह रहे हैं। ये देखिए आप इसके नेटे, अब इसमें दो सैल्यूट कर रहा है तुमको, तुमको तुम इतना उसको बड़ा बुला बोल रही हो फिर भी ये तुमको सैल्यूट मार रहा है। गाइज कमेंट सेक्शन में खूब सारा ऑरेंज कमेंट कर देना इसके लिए, क्योंकि ये बोलेगी कि ये रंगोली उसने बनाई है। ये क्यों रो रहा है, आइए जानते हैं तुम क्यों रो रहे हो। इसको एक थप्पड़ की जरूरत है। इसको लगा क्यों रो रहे बाबू, बंद कर लो मक्खी भी जाएगी। जहाँ देखो बस इसको यही करना है। अबे ये क्या हो गया है, मूछे आ गई हैं और क्या हुआ, ऐसी लड़की नहीं देखी क्या पहले कभी? कुछ ज्यादा ही मूछे नहीं आ गई वापस? इट्स नॉर्मल, डोंट पोक मी। तो गाइस हमने आपको बताया था ना कि हम ना दुबई से एक नई लैंग्वेज सीख के आए हैं, वो हम लोग कैप्शन लिख देंगे आपको आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ लोगों को तो आता भी होगा गाइस, बंद करो हाथ जोड़। और मेरी मामी अभी तक नॉट रेडी, जूजा जू। माही लाइट ऑफ कर दो सारी। माही गाइस हमारे घर में एक माही है जो हमें बोलती है माही मैंने। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मामा जी के पुराने वाले घर में, उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे नए वाले घर का होम टूर कराएंगे जो कि बहुत ही मजेदार बना है। अभी हम लोग भी नहीं देखे हैं कि कैसा बना है वो घर, एकदम घर पे शादी वाला माहौल बना है, मतलब इतने सारे लोग आए, इतने सारे रिश्तेदार आए, हम लोग भी गोरखपुर से बनारस तक आ गए और लखनऊ। बैल आ बैल मुझे मार। तो ना मतलब इस घर को लेने के पीछे इतना स्ट्रगल था और सब लोग इतने ज्यादा खुश है, मतलब कभी कुछ दिक्कत आ रहा था, कभी बजट का इशू आ रहा था, कभी लोकेशन नहीं पसंद आ रही थी। और भाई एक बार तो इतना बड़ा स्कैम होने से मामा मामी साफ साफ बचे थे, वरना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। पर पता है क्या हुआ था, मामा मामी जी तो इतने परेशान हो गए थे, उसके बाद मम्मी ने सजेस्ट किया कि तुम लोग क्यों ना किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करो, क्योंकि वो लोग बताते हैं ना कि आखिर दिक्कत क्या है। फिर मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप से एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से कॉन्टेक्ट किया और उनको सारी प्रॉब्लम बताई मामा मामी जी के साथ जो भी घर वाली दिक्कत चली थी, और उन्होंने मामा जी का डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिया और फिर उसके बाद तो ऐसा जादू हुआ ना, मतलब उन्होंने सब बता दिया कि घर को लेके ये पक्का कुछ। हाँ 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 हाँ, तो घर को लेके कुछ लोग कुछ ज्यादा ही परेशानी में हैं और शायद इनके साथ स्कैम होते होते ही बचा भाई। स्कैम वाला जब बताया हमको, कैसे किसी को पता चल सकता है, ये सिर्फ घर की बात थी। फिर हम लोगों को लगा कि हाँ चलो इनका बात मानते हैं और कुछ करके देखते हैं, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो सोल्यूशन होगा। फिर उन्होंने दो सोल्यूशन बताए थे, पता नहीं क्या 9-10 दिन के लिए करने को कुछ बताया था मामा मामी जी को, तो मामी ने किया वो 10 दिन बाद। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि घर कब खरीदाएगा और घर का गृह प्रवेश कब होगा, तो घर कब खरीदाएगा
उन्होंने बताया था 2019 तक घर आ जाएगा, और 2019 में घर मतलब लॉक हो गया था, फाइनल हो गया था, और 2023 के एंड में मतलब यही 2024 में इनॉग्रेशन होगा। और ये देख लो 2024 को आज इनॉग्रेशन में आए हैं। ओ माय गॉड। और उन्होंने ना गेस्ट की तरह बुलाया भी था उन्हें। हाँ मतलब मामा जी ने बुलाया भी था कि अब अगर हो पाए तो आ जाएगा, तो शायद वो बिजी होंगी इसलिए नहीं आ पाई। भाई मामा मामी का ये सॉल्यूशन पा गया ना, हम लोग तो एकदम खुश हो गए। तो गाइस आई नो आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रही होगी, तो मैं ना आपको एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ, और उसका एक चैट, पहला चैट आपको फ्री मिलेगा, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो। हम लोग पुराने घर पे इसलिए आए थे क्योंकि ना स्नूपी है यहाँ पे, और ले स्नूपी। स्नूपी कैसे हो बेटा? गाइस ये था पुराना वाला घर। आ जाओ अभी मम्मी इसको खिला रही है और ये खाने लगा। अभी खा रहा है। हम लोग देखते हैं पुराने वाले घर की हालत क्या है। गाइस पता है बहुत यादें जुड़ी हैं। हम लोग यहाँ पे आते, रुको मैं बताती हूँ, हम लोग इस सीढ़ी से आते थे और यहाँ पे चटाई बिछा के इस पे से गिरते सरक जाते थे। और पता है क्या करते थे हम लोग, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग कुछ भी खाना बनता था तो कभी कभी ऐसे लाइन से यहाँ पे चटाई लगा के किचन में बैठ के खाते थे। किचन से भी एक दरवाजा है। आई और पता है हम लोग बोर होते थे क्योंकि कुछ करने, मम्मी तो बात करती थी, हम लोग यही बैठ के नजारा देखते थे, नजारा दिखता भी नहीं था। और पता है इन सब का वेट करते थे क्योंकि हम लोग ना आते थे बना रहे इन सब के लिए, क्योंकि आदित तो लड़का था उसके साथ खेल नहीं पाते थे हम लोग। हाँ क्या मस्त मस्त खेलते थे भाई। अरे ये वाला रूम तो बहुत तगड़ा था। इसी रूम में बस एक विंडो एसी लगा तो सब यही नीचे। हाँ, पहली बार इनके पास ही एसी आया था, और हम लोग बहुत छोटे एग्जैक्ट यहाँ पे बैठते थे क्योंकि यहाँ पे से एसी था। ये देखो एसी है भी, ये वाला टीवी में यहाँ पे एसी था और यहाँ से डायरेक्ट हवा यहाँ पे। अच्छा हाँ यहाँ पे था बड़ा सा छोटा वाला ना, छोटा वाला टीवी। और यहाँ पे एक दुबई का वो था इनके पास, सैंड वाला वो रहा दीदी। हाँ वही यार, इसको सब याद है। ऊपर में देखते, ऊपर भी करूँगा। हाँ वो आदत करूंगा, बच्चा पार्टी लूंगा। हाँ, जैसे जब माहौल सीरियस हो जाता था कि तो बच्चों जाओ तुम लोग ऊपर। अरे यार ये रूम इतना अच्छा लगता था, वही तो ड्रीम रूम था ये। पता नहीं कैसा हो गया यहाँ पे, पता है उसका स्टिकर वगैरह बहुत सारा कलेक्शन रखा होता था, अभी कैसा हो गया यार, अभी सिर्फ बुक्स रखे हैं। आदित्य के पास ना सबसे पहले सबसे अच्छे वाले गेम्स आ जाते थे और हम लोग को दिखाता था जमाने वाले, तो सारे कजन यहीं पे इकट्ठा होके, और यहाँ पे हम लोग खेलते थे पटकम पटकी। ये कुछ हो या ना हो वैसे घर घर में होता है। ये कहाँ जाता था? अबे सीक्रेट रूम ही तो मुझे पता ही नहीं था। ये शायद छत पे जाता है ना पक। हाँ देखो यार ये तो सीक्रेट रूम है यार, ये मेरा याद था भाई। पूरी जिंदगी मुझे लगा कि है ही नहीं कुछ। ये पता था तुम लोगों को? नहीं पता था, मैं का डॉन हूँ भाई, इसको ही पता था सिर्फ। ये वाला घर बहुत अच्छा लगता था। हाँ कि वाह यार कितना सुंदर सा घर है, अभी भी अच्छा ही लग रहा है। अब ये देखो यहाँ पे दीदी पात दी थी तो फट गया है दीदी के पातने से। दीदी तुम्हारे खाने का बर्तन यहाँ क्या कर रहा है? वो अभी मेरा डाइटिंग चल रहा है ना। अच्छा ये रहा गाइस दीदी का स्ट्रॉ, इसी से ये पीती है जूस वगैरह। भाई मेरे पूरी जिंदगी में पता ही नहीं था कि यहाँ पे सीढ़ी है। ये केवल बड़े लोगों के लिए खुला था, भैया जी खोलते थे पतंग उतंग उड़ाने के लिए। देखो पतंग पड़ा हुआ अब कितना 20 साल पुराना। दीदी आपको तो बहुत ही ये नहीं पता था यार कसम से, उसमें कुछ है। लेट्स सी। अच्छा इसको मेरे ख्याल से वो उसी सीढ़ी पे जाएगा। 1 2 3 नया सीक्रेट रूम। भाई कितना सीक्रेट रूम है इस घर में। रुको 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 बताओ इसके अंदर क्या होगा, बताओ कहाँ जाएगा ये रास्ता। इधर आओ गेस करिए, गेस करिए क्या है इसमें, बताओ क्या होगा। नहीं पता। 1 नीचे जाने का रास्ता, नहीं नीचे जाएगा। पूरा क्लोजेट है बकायदा। भाई ये तो कितना अच्छा सीक्रेट रूम बन सकता है यार इस घर में, है ना। यहाँ पे विंडो है दीदी से, वो छत का है, वो ये आला याद है। पूरी जिंदगी मुझे मेरे नहीं पता था इसके यहाँ। और यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे मिनी पर्दा क्यों लगा है? यहाँ से देख लीजिए, पता नहीं छत है क्या ये। हाँ छत है, देखो देखो। हाँ ये वाला छत तो याद है। ये क्या है? वॉशरूम है।
और वो भी वॉशरूम बक दोनों एक बाथरूम है। अच्छा तो भाई मजा आ गया, पुरानी यादें ताजा हो गई, बहुत अच्छा लगा भाई। लेट्स गो। कि पता नहीं किस आंटी का मैंने चप्पल पहना। रूपी बेटा, रूपी बेटा, बेटू मम्मी,